आज है पेरिस का डे 4 एंड आज मुझे मुझे सरप्राइज मिला कि स्नो होने लगा। आई डोंट नो अगर आप कैमरा में देख पा रहे कि नहीं, बट स्नोइंग हो रही है। ये मेरी पहली बार है जो मैं स्नो ऐसे पड़ते हुए देख रही हूँ एंड इट्स रियली क्यूट। प्रॉब्लम ये कि आज हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं और हम पूरा दिन बाहर घूमना है। इतनी ज्यादा मैंने लेयरिंग कर ली है, इतने ज्यादा अंदर कपड़े पहन लिए हैं कि भारी हो रहा है मेरा चलना, बट देखते हैं दिन कैसा जाता है। और अभी हम हैं गार्डन और स्टेशन के बाहर, तो यहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है डिज्नीलैंड के लिए एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि इट्स डिज्नीलैंड। हवा भी कितनी ठंडी चल रही है, ओ गॉड। हम स्टेशन के अंदर जा रहे हैं तो सी यू इन डिज्नीलैंड, बाय। डिज्नीलैंड एंड आई होप यू कैन सी दैट इट्स स्टिल स्नोइंग। मेरे पीछे डिज्नीलैंड है, सॉरी ये फिजू है, मेरे पीछे डिज्नीलैंड है। ये लाइन है डिज्नीलैंड की। हमारी टिकट्स ऑनलाइन की हुई थी, हमने इंडिया से ही करके आए थे, तो इट्स प्रेफरेबल कि आप टिकट्स लाइक पहले से कर लो काफी, क्योंकि धीरे धीरे आते आते बहुत महंगी पड़ जाती है। ये मेरी टिकट है, इसमें बार कोड दिया हुआ है, वो हमें स्कैन करके अंदर जाना है। लाइन लगी हुई है, सब कुछ इतना क्रिसमस ही लग रहा है ना, मतलब बर्फ पड़ रही है तो क्लाइमेट चेंज इज रियल गाइज। ये क्या हो रहा है, अप्रैल में बर्फ पड़ रही है, इट इज सो मैजिकल। और यहाँ लोग काफी सीरियस है, ऐसे कलर कोऑर्डिनेटेड टी शर्ट वगैरह पहन के आए हुए हैं, सो क्यूट। आई कैन नॉट बिलीव अब डिज्नीलैंड में है। यहाँ से इस रोड से सबको हटा दिया और सारे ऐसे फुटपाथ पे खड़े हैं जैसे कुछ होने वाला है देखने के लिए। लोग यहाँ खड़े हैं इस तरह लाइन में, तो हम भी खड़े हो गए। कोई शो होने वाला है। मैंने फिर उन्हें वो 30 यूरो दी और इसने कल रात को बुक करी है, तो इसको 150 यूरो की। मैं ऐसे ऐसे 5 लोग ले सकता हूँ साथ में। 150 यूरो की टिकट बुक करी है, दैट्स 5 टाइम्स। इसलिए ये बहुत उतावला हो रहा है राइड्स करने के लिए, तो हम वही करने जा रहे हैं। पहले इसको फोटो से कोई मतलब नहीं है, इसको वो 150 यूरो निकालने। ये हमारे दिन का पहला राइड है, देखने में लग रहा है कि एक नॉर्मल सा रोलर कोस्टर है, नॉर्मल सा, और लाइन बहुत लगी हुई है। मेरे पीछे बहुत लोग चल रहे हैं, देखो ऐसे ही है, मतलब एसएल वर्ल्ड में जाते हैं तो स्टार्टिंग में नहीं आता, हल्का सा हल्का फुल्का वैसा है थोड़ा। Another lazy afternoon, the clouds covered in gray, third coffee of the day, almost fell asleep on sound. तो ये था हमारा डिज्नीलैंड का पहला राउंड।
घंटा लग गया लाइन में खड़े खड़े, बट इट वॉज वर्थ इट। ज्यादा डेंजरस भी नहीं था और ज्यादा मतलब फीका भी नहीं था, इट वॉज काफी फन फनी राइड। वो देखो गॉड, ये रहे हम। हाय करण, हाय, कैसी? हमें एक सडन रियलाइजेशन हो रही है कि हमें इस राइड में चढ़ने में एक घंटा लग गया, तो अगर हम एक एक घंटा हर राइड में स्पेंड करेंगे तो हम पूरा दिन सिर्फ 7 राइड कर पाएंगे। मतलब ऐसे हम देख रहे मेन जो है अच्छी एक्सपीरियंस करने लायक वैसे राइड में जाएंगे, क्योंकि लाइन्स यहाँ बहुत लंबी लगी हुई है। आज फ्राइडे भी है, यहाँ पे वीकेंड फ्राइडे से स्टार्ट होता है, नॉट सैटरडे। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, लोग यहाँ छोटे छोटे बच्चे लेके आ रहे हैं, लाइक बेबीज, उनको तो कुछ याद भी नहीं रहेगा, प्लस उनको मतलब कैरी करना होता है हर जगह, तो ठीक है, लाइक मेमोरी बन जाती है। और वैसे अगर बच्चों को तो इसका ये मतलब नहीं कि माँ बाप फन करना छोड़ देंगे। स्नो गिर रही है, मुझे ज्यादा मजा इसलिए आ रही है स्नो गिर रही है, मौसम ने काइंड ऑफ साथ ही दे दिया कि अगर बारिश होती तो प्रॉब्लम हो जाती, स्नो ही चलता है, मजा आता है। थैंक यू गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ जो मोस्टली सब चीजें ऐसे अंदर अंदर जाके राइड गुफाओं में जाके ऐसी सब है, वहाँ मेरा कैमरा काम नहीं कर पा रहा ठीक से। हम जा रहे हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन राइड में, अभी तक सारी राइड्स नहीं, फर्स्ट वाली को छोड़ के सारी राइड्स है लाइक स्केप्टिकल, पर देखते हैं ये क्या है। फिर से अंधेरा हो गया, ये पायरेट्स वाली राइड काफी अच्छी थी। बोट में हमको ले जा रहे थे और बहुत सारा आगे पीछे जैक स्पैरो एंड ऑल। आई हैव टू कन्फेस समथिंग, मैंने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन कभी नहीं देखी है, पता नहीं मेरे दिलचस्पी नहीं हुई कभी। मैंने बड़ी प्रिंसेस मूवीज देखी है, तो मैं इनको बोल रही हूँ ऐसी जगह जहाँ थोड़ा प्रिंसेस ही वाइब्स हो थोड़ा सा, है ना। हम जा रहे दिन का सेकेंड रोलर कोस्टर, ये है इंडियाना जोन थीम रोलर कोस्टर, और मैंने फिर से वो मूवी नहीं देखी है, बट जहाँ तक मैं ये लाइन देख पा रही हूँ मुझे इसमें बच्चे नहीं दिख रहे उतने, इसका मतलब यहाँ हाइट लिमिट है, और उसका मतलब है कि ये रोलर कोस्टर थोड़ा सा डेंजरस टाइप, वो दिखने में तो होता ऐसा लग रहा है कि बड़ा ऊपर नीचे टाइप्स है। मैं बड़ी बड़ी राइड्स में बैठी हूँ इंडिया में, तो मतलब ठीक है काफी टाइम हो गया, लेकिन है ये थोड़ा दिखने में मतलब मुझे इसके जो ये है थोड़ा लग रहे हैं स्टीप। यहाँ इतना सही है ना, एक साइड से लोग निकलते हैं और दूसरी साइड से बैठ जाते हैं, और हर जगह लाइन लगी हुई है, नंबर लगे हुए हैं। हेलो 3 ओके, जैसे ये अभी निकले उस साइड से हम इस साइड से घुसेंगे, बड़ा सा बेल्ट है तो मुझे नहीं पता कैसी राइड है, डर लग रहा है ऑलरेडी बहुत ज्यादा। ये उल्टा तो नहीं हो जाता, मैं फोन वैसे कर देती हूँ। ओके, आई वॉज राइट, क्योंकि उन्होंने मेरा कैमरा बैग में रखवा दिया, क्योंकि राइड ऐसे गोल गोल घूमती है। अभी तक जितनी मैं राइड्स की डिज्नीलैंड की, ये राइड्स का मुझे ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा रश देते हैं, एड्रेनलिन रश देते हैं, थोड़ा डराते हैं, बट वो थोड़े टाइम के लिए होता है। कुछ राइड्स होती हैं जो देर तक ऐसे मतलब बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, वैसे यार नहीं है, तो ऐसा सीन भी ना दे किसी को उल्टियाँ आ रही हैं, किसी को चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज़ का मौका ही नहीं देते हैं। मुझे बड़ा शौक था कि मैं मिकी माउस के ईयर्स पहनूंगी, लेकिन एक तो ये अनकंफर्टेबल है बहुत, दूसरा ये 20 यूरो के कान है। क्यूट, थैंक्स बट नो थैंक्स। हम वो 20 यूरो का कान तो नहीं ले पाए, बट हमने 5 यूरो के 3 लॉलीपॉप लिए हैं। आई होप ये टेस्टी हो। 5 यूरो कितना होता है? 400 रुपए के आसपास। 400 रुपए का लॉलीपॉप है ये। एक ओ तोड़ दिया इसने, ठंड में हाथ ही नहीं चल रहे यार, फिर तो मेरे क्यूट। अच्छा, काफी अच्छा।
मेरा फ्रेंड जो है वो चढ़ गया इस राइड में. ये है तो वैसे कैरोसेल, कैरोसेल जो भी बोलते हैं, बट मुझे उसका यूफोरिया याद आ जाता है. जिसने यूफोरिया देखा उसको पता है मैं क्या बोल रही हूँ. छोटी बच्ची हो क्या? लगता है मेरी लिपस्टिक ना किसी रोलर कोस्टर से गिर गई है, क्योंकि मैंने पॉकेट में रखी थी मेरी मैक की लिपस्टिक. बट एनीवे हम दो तीन रोलर कोस्टर में चढ़े और अंधेरा था, तो ऑब्वियसली रोलर कोस्टर में कैमरा अलाउड नहीं है. अब ये वाली जो राइड है थोड़ी हल्की सी लग रही है, पीछे कार जा रही है, लगता है कार ही चलाते हैं सिर्फ आराम से. तो बस यही है. और हर राइड का जो वेटिंग टाइम है 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा ऐसा है. तो पौने एक घंटे में एक राइड हो पाती है ऐसा हो रहा है. और अब बज रहे 5-7 बजे हमें जाना है. मुझे एक भी प्रिंसेस नहीं दिखी, मुझे एक भी मिक्की माउस नहीं दिखा. हद हो गया डिज्नीलैंड आके, ना प्रिंसेस दिखी ना मिक्की माउस. यार फिर बचेगा हमारे पास एक घंटा. एक घंटे में हम ढूंढेंगे, प्रिंसेस ढूंढनी है, प्रिंसेस ढूंढनी है, नहीं तो मिकी माउस ढूंढना है. कुछ तो ढूंढना है यार, प्लीज. बहुत हो गया ये रोलर कोस्टर. When I was a little child, I naturally would see magic in the world around me. मुझे पिंक कलर की गाड़ी मिल गया और मैं समझ नहीं आ रहा मैं तेज चलाऊंगी. ठोक रही है एक गाड़ी, दो लोग बैठते हैं और बस गाड़ी चला रही है. यही है ये राइड. ठंड लगती है Now I often get so tired. It's harder just to be fascinated, breathing free. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, cause I can stay inside and. ऐसा लग रहा है मेरी उंगलियां कट के गिर जाएगी. बाहर से जुलूस निकल गया और वहाँ चल रहा है, हम उसकी तरह भाग रहे हैं क्योंकि हमने देखा ही नहीं. I don't care today what the neighbors might say. Put on my rain boots, my favorite chiffon dress. I don't care today what the neighbors might say. 'Cause I could stay inside and type away inside. Oh, make a today just a little less mundane. Oh, I could stay inside. डिज्नीलैंड पार्क एक एक्सपीरियंस के लिए है. यहाँ की हर एक चीज डिज्नी से रिलेटेड है ऑब्वियसली. तो जिस तरह से चीजें बनाई हैं, जैसी राइड्स पे इतनी मेहनत करी गई है, जिस तरह से फंक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ है और ब्यूटीफुल तो है ही. पर अगर आपको राइड्स करनी हो, तब आप राइड्स के फैन हो, बहुत सारे राइड चाहिए जिसने 150 यूरो दिए थे, तो फिर आई डोंट थिंक आपको डिज्नीलैंड में मजा आएगा. और राइड से ज्यादा मुझे लगता है यहाँ दुकानें हैं और हमने अभी तक कुछ खरीदा नहीं है, तो देखते हैं. हुआ है कि हमने कुछ चीजें खरीद ली हैं, सारा तो नहीं दिखा सकती, मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी मैंने पेरिस से क्या क्या खरीदा. पर अभी फिलहाल एक चीज दिखा देती हूँ स्पॉइलर. ये क्यूट सी डायरी खरीदी मैंने. ये आई थिंक ये ज़ूटोपिया का कैरेक्टर है ना, ज़ूटोपिया वाली रैबिट है ना. आई थिंक 7 बजे के ऊपर हो गया, राइड वगैरह बंद हो गए होंगे, तो लोग अभी लाइक शॉपिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं रेस्टोरेंट में. ऐसे नहीं कि 7 बज गए तो सबको बाहर फेंक देंगे, मतलब पैसा कमाना है इस पार्क को. तो हमारा डिज्नीलैंड का जो सफर है यही खत्म होता है. हालत बुरी हो चुकी है, ठंड लग चुकी है. एंड बात ये कि जब आए थे बर्फ पड़ रही थी, जा रहे हैं बर्फ गायब, नीचे से जमीन सूख गई है. एंड या दिस इज द एंड ऑफ दिस डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन टेक केयर, बाय.